अर्बन कांसा बेसिकली इज़ अ मिनिमलिस्टिक और आर्टिस्टिक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन लुधियाना। इट्स अ 100 फीट बाई 100 फीट साइट। इस घर के ऑनर हैं वो एक बिजनेसमैन है, वो फैमिली में 4 मेंबर हैं। साउथ फेसिंग प्लॉट था ये मेरा। इसकी जो अप्रोच है वो 40 फीट वाइड रोड के साथ है। जो मेरा साइट का क्लाइमेट है वो थोड़ा ह्यूमिड और हॉट है, क्योंकि समर्स में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 40 टू 50 डिग्री टच करता है, और जो विंटर्स में टेम्परेचर है वो अराउंड 1-1.2 डिग्री आ जाते हैं। थोड़ा इसमें प्रोजेक्शंस मैंने क्रिएट करी हैं, सन हीट को डायरेक्टली एंटर ना करने दो। इस प्लॉट के अंदर बेसिकली 5 बेडरूम डिज़ाइन किए हुए हैं, और कॉमन स्पेसेस में एंटरटेनमेंट हॉल है, डाइनिंग और ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया है। इस साइड के अंदर मेन मेरा जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो आप अगर एक्सटीरियर देखते हो तो वो मिनिमलिस्टिक है, और इनसाइड द हाउस आपको लग्जरी आर्टिस्टिक इंटीरियर देखने को मिलेगा। इसमें मेरा साउथ ईस्ट से अप्रोच रखा हुआ है इसको, ड्यू टू वास्तु। साइट है वो एक ब्लॉक में ही प्लान करी हुई है, जिसमें मैक्सिमम इनको मैंने लॉन एरिया क्रिएट करके दिया हुआ है। तो बेसिकली ये एक कटआउट एरिया है मेरा, इस साइट को डिफाइन करने के लिए बनाया था। उनको जो प्राइवेट स्पेस थी वो ज्वाइंट चाहिए थी, और कॉमन स्पेस थी वो डिफरेंट एरिया में चाहिए थी। जो प्राइवेट स्पेस है उसमें सिर्फ रूम्स आते हैं, जो कॉमन स्पेस है उसमें मेरा लिविंग एरिया, किचन एंड डाइनिंग और ड्राइंग रूम एरिया। सो ये मेरा सारा कॉमन एरिया है, ये सारा प्राइवेट स्पेस है। कॉमन एरिया और प्राइवेट स्पेस जो कि एक ग्लास ब्रिज के थ्रू ही मैंने प्लान करी थी उसको ज्वाइन करने के लिए, मैंने 2 ब्लॉक्स को जो प्लान करा था वो इस अकॉर्डिंग करा कि एक सेंटर में मुझे डबल हाइट स्पेस मिले जो कि कूलिंग टावर बन जाए। जो बेसिकली साइट जब आप एंटर करते हो तो जो पोर्च एरिया है ये मेरा, इनकी 4 कार की रिक्वायरमेंट थी पार्किंग की। देन एक डेक से इसकी एंट्री प्लान करी हुई है मैंने सारी, थ्रू द स्टेप्स आप मेन एंट्रेंस पे एंटर करते हो। ये सारा फ्लोरिंग पे मैंने ग्रेनाइट यूज़ करा हुआ है, और उसमें नेचुरल प्लांटेशन बहुत पे प्ले करी हुई है इसमें, और मैंने एक प्रोजेक्शन क्रिएट करी है जो कि वरांडास मैंने ट्रेडिशनल को मॉडर्नाइज करके इसमें प्ले करा हुआ है। और ये जो प्रोजेक्शन है ये मेटल फ्रेम के थ्रू ही मैंने सारी प्ले करी है, और इसका जो बेस है वो वुडन मटेरियल है सारा, आउटडोर वुड प्ले करा हुआ है उसमें मैंने। डन, जो मेरा मेन डोर है उसको थोड़ा ह्यूज लुक देने के लिए मैंने बहुत उसके साइड पे ग्लास प्लान किया है। जो ये इसकी फिनिशिंग है वो वॉलनट फिनिश करा हुआ डेड मैट में। अब मेन डोर से जब एंटर करते हो तो आपको एक डबल हाइट एरिया इसमें विजिबल होगा। चैंडलियर के लिए प्लान करा था कि एंटर करते एक ह्यूज लुक आपको इसमें एक्सप्लेन होगी। देन मैंने ये फैब्रिक प्लान करा था इस डोर को हाइड करने के लिए। बेसिकली ये ऑफिस है जो इनसाइड से एंट्रेंस मिलती है इसकी। देन जब एंटर करके आप देख रहे हो राइट साइड पे, तो मेरे डाइनिंग और ड्राइंग रूम मैंने प्लान किया था। सीलिंग में एक एलिमेंट क्रिएट करा हुआ है, एक लेदर का बॉर्डर हमने क्रिएट करा हुआ है, और इसका जो लाइटिंग स्टाइल है वो मैग्नेटिक ट्रैक के थ्रू प्लान करा हुआ है विद द शैंडलियर। इसका जो मेन पार्ट है इस ड्राइंग रूम का और डाइनिंग का एक सस्पेंडेड वॉल है, और मैंने एक ट्रेविटिनो टाइल प्लान करी हुई है विद ब्लैक मेटल। इसकी जो ये सारी डिज़ाइनिंग है ये ब्लैक मेटल में करी हुई है सारी। इसके नीचे एक कंसोल है, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ही किचन प्लान किया था। किचन के साथ सर्वेंट किचन प्लान किया हुआ है एज इट इज, एक मेन किचन और एक कुकिंग किचन डिफरेंट कर दी उसमें। इस कॉमन एरिया से प्राइवेट स्पेस में एंटर करूँगा तो एक थ्रू द डेक एंटर करूँगा। जो डेक है वो वुडन डेक है विद स्टोन डस्ट मैंने प्ले किया हुआ है। ये कॉमन एरिया और प्राइवेट स्पेस को सेग्रीगेट करने के लिए जो कटआउट का मटेरियल था वो मैंने चेंज कर दिया था। बेसिकली इटालियन के साथ एक वुडन मटेरियल प्लान कर दिया मैंने, और इसी कटआउट के अंदर मैंने एक फैब्रिकेशन में एक कूलर रूम प्लान कर दिया, एक स्कल्पचर प्लान किया कि आर्टिस्टिक लुक मेरी एज इट इज मेंटेन रहे, और नेचुरल स्टोन जो आउटडोर चल रहा था वही मैं इनडोर प्ले कर लिया एक एलिमेंट क्रिएट करने के लिए। दिस इज द लिविंग एरिया, और इस ये मेरे घर का एक मेन पार्ट है और मेरा फेवरेट एरिया भी है ये इसका, क्योंकि इसके साथ एक डेक एरिया है और इसमें लॉन विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी से हो रही है। लास्ट स्टेज पे आगे भी अगर मैं क्लाइंट का विज़न देखता हूँ तो वो उस एरिया को बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी है
और नेचर से रिलेटेड आपको लॉन एरिया भी मिल रहा है उसमें, और कुछ जो मटेरियल है वो भी नेचुरल यूज़ करे हुए हैं। सो एक वो एरिया है ऐसा जो क्लाइंट बहुत अच्छे से यूज़ करता है। द फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस इज़ द ग्रीनरी बिकॉज वी कैन सी इट फ्रॉम आर बेडरूम्स, किचन एंड लिविंग रूम एंड वी ऑल लव इट। When at the house warming, when I entered the house, I was like, wow, कितना सुंदर है, एंड बहुत अच्छा लगा था। सबको ही अच्छा लगता है जो भी आते हैं। और प्राइवेट स्पेस में एंटर करते हो तो आप, मैंने 3 रूम प्लान किए थे, डॉटर रूम एंड सन रूम और मास्टर रूम। नाउ दिस इज द डॉटर बेडरूम। इस बेडरूम में मैंने वॉलपेपर और वीनियर यूज़ करा हुआ है बेड बैक पे, और जो इसकी फ्लोरिंग है वो सारी वुडन फ्लोरिंग है। जो डॉटर रूम के बाहर बरांडा है वही डिज़ाइन कंसेप्ट था कि ट्रेडिशनल बरांडा को मॉडर्नाइज करना है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये क्रिएट किया था कि एक जाली है जो कि मैंने स्टोन में कस्टमाइज करवाई थी। और इसका डिज़ाइन क्या है, बेसिकली ये सी थ्रू है इसमें, वो ग्रे का नाइट के साथ ही जो प्लांटेशन है वो कोलैबोरेट कर रही है इस चीज़ को। और ये है कि जब मॉर्निंग आप उठोगे और कर्टन ओपन होते हैं तो उनको एक सामने जो एरिया दिख रहा है वो जाली वाला एरिया, वो काफ़ी आर्टिस्टिक डिज़ाइन था जो मैंने प्ले करा हुआ है इस डॉटर रूम में। और जब मास्टर रूम में आ रहे हो, मास्टर रूम में जो मेरा डिज़ाइन एलिमेंट था, एक तो ये था कि वो विंडो से आपको लॉन एरिया सारा डायरेक्टली विजिबल होगा, और अगेन इसके आगे भी एक वरांडा था जो कि मॉडर्नाइज कर रहा था मेरे ट्रेडिशनल कल्चर को। और इसमें मैंने जो मटेरियल प्लान करे हैं वो कुछ सूदिंग मटेरियल प्लान करे हैं, कि एक टाइल प्लान करी है उसके साथ मैंने मेटल की स्ट्रिप्स यूज़ करी हैं और वुडन वीनियर यूज़ करा हुआ है इसमें। और इसमें ये था कि कलर का कंट्रास्ट बनाने के लिए मैंने जो बेड का फैब्रिक था वो थोड़ा डार्क यूज़ करा। देन आप जब सनरूम में आते हो, सनरूम में भी एक मैंने विंडो, लार्ज विंडो दिया था जो कि एक नेचर रिलेटेड एलिमेंट को मैं एडिटी मेंटेन कर सकूं। इस घर में जो मेनली मटेरियल है वो मैक्सिमम एरिया मेरा पेंट है, ग्रे पेंट ही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो इस साइड पे भी ग्रे पेंट ही यूज़ किया हुआ। उसके साथ जो इंटीरियर एलिमेंट्स हैं वो कलरफुल प्ले हो जाते हैं, ये सारी पार्टीशंस हैं जैसे लाइक ड्राइंग रूम की, डाइनिंग की या किचन की, पूरा रूम की पार्टीशंस क्रिएट करी हुई हैं सारी फ्लूटेड ग्लास विद एल्युमिनियम प्रोफाइल्स। जो वुडन मटेरियल है मल्टीपल स्पेसेस पे यूज़ की है, सीलिंग्स पे भी वुड यूज़ किया हुआ है, और रूम्स की फ्लोरिंग भी वुडन है, और जो रूम्स के अंदर वॉल क्लैडिंग है वो भी वुडन में यूज़ करी हुई है। तो क्लैड के लिए वीनियर यूज़ किया हुआ है, वाइट ओक और अपनी वीनियर यूज़ करा हुआ है। बेसिकली कॉमन एरिया में वुडन सीलिंग मैंने करी है, बिकॉज उसमें क्या था कि मेरे एसी के ट्रैप डोर्स, उसको मेंटेन करने के लिए और एक डिज़ाइन एलिमेंट को मेंटेन करने के लिए मैंने वुडन यूज़ करा। और जो वुडन फ्लोर है वो भी सारा इंजीनियर वुड ही प्लान किया था इसमें, और लिफ्ट के आगे भी वुडन सीलिंग्स हैं। देन आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो वहाँ पे मैंने फ्लूट्स क्रिएट करके लगवाई हुई हैं जो कि WPC में क्रिएट करी हुई हैं। वो इस साइड पे जो डोर्स हैं वो सारे वुडन फ्लश डोर ही यूज़ करे हुए हैं, और जो विंडोज़ हैं वो सारी एल्युमिनियम विंडोज़ ही प्लान करी हैं मैंने विद स्लीक फ्रेम्स। देन आपको स्टेयरकेस विजिबल हो रहा है, वो भी एक आर्टिस्टिक एलिमेंट ही यूज़ किया हुआ है इसमें। इस स्टेयर में मैंने नेचुरल वुड प्लान किया हुआ है, और ये जो वायर्स हैं सारी एल्युमिनियम वायर्स हैं। ये मैंने एक स्पेनिश ग्रे स्टोन यूज़ करा था इसमें स्टेयरकेस को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, एक गेस्ट रूम प्लान किया हुआ है, रूम के साथ उनको जो वॉशरूम एरिया था वो बड़ा चाहिए था, जकूजी एंड ऑल उसमें प्लान करना था, और एक पेरेंट्स रूम था, पेरेंट्स रूम के साथ उनको एक टेरेस चाहिए था। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर इंटरलेट भी रहता है, बिकॉज एक ग्लास ब्रिज है, अपनी डायरेक्टली विजिबिलिटी भी आपकी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती उससे। इसको एक सस्पेंडेड फील देने के लिए भी इसमें भी एल्युमिनियम वायर्स यूज़ करी हुई हैं सारी। और दिस इज़ द एंटरटेनमेंट एरिया। एंटरटेनमेंट रूम में मेरा बार एरिया है और लाउंज है, और एक कॉफ़ी टेबल प्लान किया हुआ है इसमें। और ये जो लाइटिंग है ये सारी कस्टमाइज वुडन लाइटिंग है, इसमें मैंने कंक्रीट पैनल अगेन यूज़ करे हुए, बैक साइड पे इसके फैब्रिक यूज़ करा हुआ कि साउंड प्रूफ ये एरिया रहे मेरा। जो बार एरिया है ये भी मैंने कस्टमाइज़ करा ऑन साइड पे, जो इसका इंटीरियर था वो रॉ थीम पे था, तो ये बार एरिया है ये भी रॉ थीम पे प्लान करा हुआ है। इसका जो ये मटीरियल है ये मेरा नेचुरल वुड है, और इसमें मैंने कोरियन स्टोन यूज़ करा हुआ है और विद ब्लैक मेटल, और बैक साइड पे जो स्टोरेज यूनिट है वो सारा मेरा विद ग्लास और ब्लैक प्रोफाइल के साथ ही मैंने प्ले करा हुआ है।
जो थॉट प्रोसेस में ये भी था कि अगर इंटरटेनमेंट एरिया में पार्टी चल रही है, इनके गेस्ट हैं, तो वो एक जब इस टेरेस पे आएंगे तो उनको एक अट्रैक्टिव एलिमेंट मिले। मैंने एक इस एरिया में ट्री प्लान करा था, जो बॉन्जाई ट्री है, ये 65 ईयर ओल्ड प्लान है। ये ट्री को जेल करने के लिए नेचुरल कंक्रीट प्ले करा हुआ है यहाँ पे। ये एक एनवायरनमेंट है जो एक मिनिमलिस्टिक टच मेरा दे रहा है, और इसको रैप करके मैंने कंक्रीट पैनल के साथ ही प्ले करा हुआ। बेसिकली जो एलिवेशन है वो इनिशियल स्टेज पे ही मेरे माइंड में रहता है कि मैं प्लानिंग भी जो करता हूँ वो अपने एलिवेशन के अकॉर्डिंग करता हूँ। जो इसका फ्रंट था वो 100 फीट था। मैं इसको सिंगल ब्लॉक में क्रिएट करता हूँ तो थोड़ा मैसिव लगता, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकेज में रखा है इसको। और जो इसमें मटेरियल हैं वो भी सारे नेचर रिलेटेड ही हैं। उसमें स्टोन है, नेचुरल कंक्रीट है, और वुडन है जो कि आर्टिफिशियल वुड है, और वो WPC प्लैंक्स हैं जो मैंने यूज़ करे हैं। मिनिमलिस्टिक टच देने के लिए ये मटेरियल मैंने यूज़ करे हैं। यही सेम मटेरियल इनसाइड द हाउस भी है। बोथ साइड मैंने दो ब्लॉक प्लान करे हैं और एक बीच में ओपन स्पेस दी हुई है। उसको एलैबोरेट करने के लिए मैंने वर्टिकल मेंबर दिए हुए हैं जिस पे मैंने कंक्रीट की कोटिंग करवाई हुई है। जो ये वरांडा है मैंने ये ट्रेडिशनल को मॉडर्नाइज कल्चर में कन्वर्ट किया हुआ है। ये जो पाइप्स हैं ये सारी मेटल पाइप्स हैं जिस पे वरांडे का स्ट्रक्चर सारा होल्ड किया हुआ है। और इसमें मैंने जो प्लांटेशन थी वो क्रीपर सारी हैंग करवाई थी। ये ब्लॉक पे मैंने कंक्रीट पैनल यूज करे हुए हैं सारे। इसमें मैंने वुडन के साथ इसको प्ले किया हुआ है क्योंकि नेचुरल मटेरियल ही यूज कर रहे थे। और ये मेरा एक टॉयलेट है जो कि गार्ड्स के लिए और सर्वेंट्स के लिए है, तो उसको मैंने हाइड करने के लिए इसमें नेचुरल स्टोन प्ले कर दिया और इसको प्लांटेशन से हाइड किया हुआ। इसका जो आउटर लैंडस्केपिंग है बहुत ज़्यादा थिक करा हुआ है मैंने, ताकि मास्टर रूम को और लिविंग एरिया को नेचुरल व्यू मिलता रहे उस चीज़ का। जो मेन एलिमेंट है मेरे इस घर का वो ये स्टोन है। इस स्टोन को मैंने इनसाइड और आउटसाइड बोथ साइड प्ले किया हुआ है। एल्युमिनियम में मैंने वुडन कोटिंग किया हुआ है सो डेट के वो एक ग्रेनाइट के साथ एक वुडन फील अच्छी लगती है वो। और जो इसमें प्लांटेशन थी वो भी एक मेरी रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान की जाए। वो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हमने इम्पोर्ट करके इसमें प्लान करे हैं, और कुछ नेचुरल जो एक वेदर के अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन है वो हमने एवरग्रीन जो यूज़ करी हुई है। इस हाउस में एनवायरनमेंट एफिशिएंसी के लिए मैंने सोलर सिस्टम यूज़ किया था जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा। और इसमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है सारा। घर मोस्टली एक ही बार बनता है। अल्ट्राई के जो क्लाइंट अपने ड्रीम लेके आता है मैं उस ड्रीम को थोड़ा ट्रू कर सकूँ। कंप्लीशन के बाद जब क्लाइंट को मिले हैं तो उनके जो रिएक्शन थे वो काफ़ी खुश थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको एक क्रिएटिव हाउस चाहिए था, तो वो इसमें हर एक पार्ट ऐसा है जो क्रिएटिविटी आपको शो होती है।